अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज सनी सा डे है और फ्राइडे है। बड़ा ब्राइट दिन है, धूप निकली हुई है और तकरीबन 2 बजे हुए हैं। देखें, साफ कर दिया उसने बिल्कुल। कितना रह गया रानी? चले, नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है और ये कपड़े जो मैंने आपको कल दिखाए थे, ये बिल्कुल धुले हुए कपड़े हैं गर्मियों के और तय लगी हुई है, और अब इनको हम नाइस तरीके से पैक कर देंगे इंशाल्लाह। अगर जिंदगी रही तो अगली गर्मियों में अनपैक करेंगे। हाँ जी बाजी, लेके आ रही हूँ। मैं खोल लेती हूँ, ठीक है? ये फटाफट कर ले, अच्छा खासा काम हो जाता है ये। कोशिश तो यही की है मैंने कि सारे धुलवा लूं ना। हाँ जी, कोई चीज लगी भी हो तो फिर कीड़ा लग जाता है, काट जाता है, ठीक है? और ये सारों के साथ उनके दुपट्टे और उनके सारे सारे ये मग्स भी ठीक करके लगा दे। नीचे भी है मग, आज बस इतने ही आ रहे हैं। दूसरा बक्सा जब खाली होगा ना जी, तो उसमें भी हम रखेंगे। कुछ अदर बक्से में आ जाएंगे। तो ये हमने अपने समर क्लोथ्स जो हैं उनकी पैकिंग कर दी है, डस्टिंग वगैरह भी हो गई है, घर का काम खत्म हो गया है। आज हमारा प्रोग्राम है कि कोई डिफरेंट किस्म की कोई चीज़ बनाएं। फिर अभी मुजीब आते हैं, आने वाले हैं मुजीब भी, तो उनसे भी मशवरा कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आज हमारे किचन में क्या बनता है। तो कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहे। चलते हैं नीचे और कुछ खाने पीने की कुकिंग की तैयारी करते हैं। इधर लगा हुआ है क्रिकेट का मैच, और अगर आप सामने कैमरे में देखें तो मुजीब आ गए हैं। चलें जी, मिलते हैं मुजीब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हम तो मैच देख रहे हैं। मैच में जब मैं चल रहा था उधर, तो बड़ा बुरा ही बेचारे खेल रहे थे। व्यूअर्स को भी सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। डिसाइड हो गया ना फिर मुजीब? हाँ हो गया, बिल्कुल बता दो। बताने लगे हम अपने बच्चों के बचपन में जो उनके फेवरेट बर्गर्स हुआ करते थे, विद वो कैबेज वाला रशियन सैलेड, बहुत यमी। और साथ चिप्स नहीं वो खाते थे, वेजेस खाते थे, पोटैटो वेजेस। ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप लोग सारे भी आई एम श्योर कि अपने अपने बच्चों के लिए बनाते होंगे। बड़े भी शौक से खा लेते हैं, तो वो सालन, रोटी, चावल, बिरयानियां बहुत खा ली हैं पिछला पूरा हफ्ता। और ये जो छोटा सामने खड़ा हुआ है, ये भी बड़े शौक से खाता। तो एनीवे, लेकिन घर में बना हुआ है तो इसमें कोई इतनी हार्मफुल चीज मैंने नहीं डालनी अंदर। हम जो चाहे आप प्याज डालें, टमाटर डालें, खीरा डालें। लेट्स गो एंड मेक दीज बर्गर्स। चीजें मैं ले आई हूँ, मेयोनीज मिल गई है, इमली की सॉस मिली है, दूसरी क्या क्या कोई नहीं है, गुजारा कर लेते हैं। अच्छी लगती है, मजे की होती है। और ये ट्राई, ये पैटीज नहीं हम लाए थे जो सौदा सल्फ से, ये ठहर जाए, ये बहुत हल्की आग पे रखना है क्योंकि ये फ्रीज हुई हुई थी। इसमें 4 पैटीज रखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास बन ही 4 है और हम बंदे भी 4 हैं। लाइट कम नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की आग पे हम ये 4 पैटीज रख देते हैं। ये तो जुड़े हुए हैं अभी। अच्छा चलिए, खुले सिंगल सिंगल निकाल लेते हैं। 2 3
चाय हो गई जी चार। अच्छा जी ये पैटीज हमने यहाँ पे रख दी हैं, ये सुर्ख होती रहेगी और मीन वाइल हम बना लेते हैं वो कैबेज का और मेयोनीज का सैलेड। ऊपर वाले पत्ते टू बी ऑन द सेफ साइड उतार देने चाहिए ताकि अंदर से साफ निकल आए। ये इसको हमने बिल्कुल बारीक काटना है ऐसे हाफ करके ना। तो यहाँ से हम इसको ऐसे बिल्कुल इससे भी ज्यादा पतला बिल्कुल, क्योंकि ये हमने कच्चा ही खाना है। बड़ा क्रंची सा सैलेड बनता है ये। इसमें डलेगा थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी चीनी, आधा चम्मच के बराबर चीनी, थोड़ा सा इसमें डलेगा जनाब सिरका और थोड़ा सा डलेगा इसमें लेमन। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ताकि जूस अच्छा निकले। बहुत आसान है, कोई इतनी बड़ी साइंस तो है नहीं है। इसमें डल गया ये लेमन खुशबू है ना, अल्लाह की बनाई हुई बड़ी अच्छी चीज है। नींबू लीमू लेमन नींबूड़ा मिक्स करें। इसमें अब अंदाजे से हम मेयोनीज भी डाल देंगे, करते जाए मिक्स। ओ काली मिर्च दो बड़े चम्मच डाले होंगे है ना। इसको फोल्ड कर देते हैं और डालना पड़ेगा मेयोनीज। काफी है ज्यादा ही डाल। नहीं नहीं ठीक है, ये बल्कि ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मिक्स करेंगे। काली मिर्च डाल दी गई, काली मिर्च डाल दी है ये तो आपको पता, अब याद रखना चाहिए कभी भी स्नीजिंग है ना। मुझे चेक के देखना चाह रहे हैं आपके, एक ही दफा चेक करेंगे, एक ही दफा चेक करेंगे। लो जी ये हमारा तैयार हो गया, साथ में साइड बर्गर के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप साइड में ये रख रहे हैं फिर प्लीज बर्गर के अंदर लगाएंगे, टू मच हो जाएगा। फिर हम बर्गर के अंदर इसको नहीं लगाएंगे। तो ये तो हमारा तैयार हो, इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। अब हम बनाने लगे हैं ये आलूओं के वेजेस। ये आलू हम सब मिलके अभी छीलेंगे, छील लें एक एक आलू सब छील लेंगे। क्या क्या वैसे वैरायटीयां हैं खाने की, अलग-अलग नेमते हैं, अलग तरह की नेमते हैं ऑफ कोर्स। ये जी मेरा तो आलू गया छिल, आई एम फर्स्ट 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 ये देखो चलो जी। ये आई होप कि मीठे नहीं है आलू, नहीं है ना, नहीं। आप लोग क्या आंख मचोली खेल रहे हैं एक एक आलू से। ये देखिए मैं दूसरा आलू भी मेरा हो गया। फटाफट करें थोड़ा सा मुझे दे दें किचन टॉवल। चलो काट लेते हैं जी वेजेस, बेहतर होता है कि चार चार बस कर लिए जाए। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है आलू, ये हो गया जी।
मुझे बाप भी काट लो, अगर बहुत छोटे करेंगे ना हम तो ये टूट जाएगा, क्योंकि आलू पके हुए हैं, है ना। वाह, एक तरफ पैटीज हो रही है और एक तरफ हम अपने रख देंगे ये बनने के लिए वेजेस। मक्खन हमारा मेल्ट हो रहा है और मक्खन जल ना जाए थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं ऑयल डाल दें थोड़ा सा, तो मक्खन जलता नहीं है। थोड़ी सी हम आग तेज करेंगे और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम रखेंगे अपने आलूओं के वेजेस। और इधर हमारी पैटीज हो रही हैं और यहाँ पर हमारा सैलेड हो गया है रेडी। तो तकरीबन समझे कि बर्गर बनने के करीब है, लेकिन ये आम बर्गर से थोड़े से हैं डिफरेंट, क्योंकि इसमें जो मैं अभी प्याज डालूंगी ना बर्गर्स के अंदर वो कैरमलाइज करूंगी। तो कैरमलाइज कैसे होता है कहीं पर भी नहीं लाना, अभी मैं करने लगी हूँ, स्टे विद मी। ये देखने से कितने यम्मी लग रहे हैं ना जी। खुशबू मक्खन की जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है पोटैटो में, ये जो होते हैं ना मैश पोटैटो उसमें भी मक्खन डला हुआ होता है, तो उससे ना ये मैं रख लेती हूँ अगली दफा के लिए। और आग कर देते हैं थोड़ी सी हल्की ताकि ये सुर्ख हो जाए। और इधर से हम ये अपना देख लेते हैं भी क्या बना पैटीज का जी। अब ये थोड़ी सुर्ख होनी है, इनको पलटा लेते हैं। ये देखो ये रेड हो गई। मतलब प्याज वैसे भी डिलीशियस चीज है, लेकिन आप सोचें कि अगर इन प्याजों को हम कैरमलाइज कर लेंगे तो ये किस कदर मजेदार हो जाएंगे, यू हैव गॉट नो आइडिया। इतने डिलीशियस हो जाते हैं कि वो प्याज ही बंदा दिल करता है कि खाता जाए। तो प्याजों को हमने उतने, बस मैं अंदाजन कर रही हूँ कि जो चार बर्गरों में हो जाए। एक ये हो गया हमारा प्याज और एक हो गया जी ये। ठीक हो गई बात, ठीक है बंद कर दो। पैटीज हो गए, इसमें हम अपने अनियन कैरमलाइज कर लेते हैं। ये हो गई हमारी पैटीज, अनियंस को अभी हाँ उल्टाएं, ठीक है अनियंस को हम मोटा मोटा काटेंगे। ये पैटीज वाला थोड़ा सा ऑयल था, इसमें डालेंगे जनाब ये थोड़ा सा गर्म करके। कैरमलाइज करने के लिए इसमें डलेगा थोड़ा सा विनेगर
और कैरमलाइज करने के लिए इसमें डलेगी थोड़ी सी शुगर। ये शुगर जब जलेगी ना थोड़ी सी सुर्ख होगी तो फिर कैरमलाइज हो जाएगा, ये मतलब इसका टेस्ट आएगा। मुझे नमक भी ला कर डालने, नमक, काली मिर्च, ये हमारे हो रहे हैं अनियन कैरमलाइज। हाँ इसको भी दिखा रहे हैं, नमक डाल दो जी, डालें ऐसे। वाह ये काली मिर्च, काली मिर्च पहले भी डाले या क्या करें? थोड़ी सी चाट मसाला डाले, मुझे मजे का बने, खट्टा मीठा। हाँ चाट मसाला डाले, थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा। ये मेरे पोटैटो को खाओ, पोटैटोज भी दिखा दे, अभी थोड़ा सा और सूप हो जाए। बहुत मजे की खुशबू आ रही है भाई, क्या यमी खुशबू आ रही है। और हम अपने अनियंस के ऊपर थोड़ा सा डालेंगे लेमन। मुझे अगर आपने कॉर्न अपने बर्गर में डलवानी है तो निकाल लें, कॉर्न मैंने साइड पर रख ली है। अच्छा निकाल लें फिर थोड़ी सी, थोड़ा सा उसको माइक्रोवेव कर दें। माइक्रोवेव जी। चाट मसाला किधर लगानी है? बहुत अच्छा केड़ी कड्डो पहले बार पाओ, चुटकी भर डालो ना इसके ऊपर। चाट मसाला डाल गया, लेमन डाल गया, चीनी डाल गई, और इधर ये हमारे आलू भी हो गए तकरीबन रेडी। ये निकाल लेते हैं हम, इनको हम ये निकाल लें। ये वेजिटेबल और इसमें बाकी के हम डाल देंगे। ये देखिए हल्के इसके ऊपर से हम डाल देंगे नमक। ये हमारे अनियन हो गए चार। अब सिर्फ रह गया जी खीरा, और खीरा हमेशा से करते हैं हमारे ड्राइवर साहब, तो उनको हम कहते हैं कि हमें खीरे के स्लाइस कर दें। साथ साथ सारी चीजें हो रही हैं बस। पैटीज तैयार, अनियन तैयार, पोटैटोज आर रेडी, और हमारा मुंह भी तैयार खाने के लिए तैयार तैयार मैं भी और हमारे जैसा भी तैयार। मुझे वो एक तेज छुरी लेके ना इनको बिल्कुल सेंटर से काट दे। ये भी हमारे हो गए जैसे रेडी, इनको हम लेंगे इधर निकाल। और इसको कर देंगे अपना अगला बर्गर। अरे वाह फील आने लग रही है, फील बर्गर्स। मामा बाबा बर्गर्स रेस्टोरेंट ना, लोगों ने तो हमारे बर्गर खाने के लिए दौड़े ही चले आए। आएंगे तो इनके मैं असेंबलिंग बता दूंगी, ठीक है रानी? तब तक आपने ये दो फिर सेकने होंगे, ठीक है? ये इधर रख देते हैं। अच्छा इसमें अगर मैं बता देता हूँ, अगर इसमें डबल टैकर बर्गर बनाना हो ना तो इसमें कैन पुट एग आल्सो, एक लेयर पे एग, एक पे पट्टी, और वो शामी कबाब के होते हैं। शामी ये देखें जी, ये देखें राइट। हाँ हाँ लो रानी
हल्की आग करके ना बाकी दो बन सेको। ये देखें जी, ये देखें कैसे खूबसूरत तरीके से ये हो गए हैं जी। हाँ, तो अब इसका जो ये वाली फ्लैट वाली जो है ना, इसको हम ले लेते हैं और इस पे हम थोड़ी सी लगाएंगे मायोनीज। ये हमने इस पे थोड़ी थोड़ी, मुझे वहां से एक बटर नाइफ ले आए, ड्रॉअर में पड़ी हुई, ये बटर नाइफ हो गई, ये हमने लगाया। इसके ऊपर हमने रखी अपनी एक एक फैटी, इसके ऊपर हमने रखे थोड़े थोड़े अपने कैरमलाइज्ड अनियन, ठीक है। सॉरी गलती हो गई गाइस, गलती हो गई, गलती मामा से। इसको रखने से पहले हमें चाहिए था कि हम अपनी चीज रखें। मुझे खोले, मेरे हाथ बड़े ग्रीजी हो गए हैं, चीजी हो गए, चीजी एंड ग्रीजी। बन गए, बस बंद कर दें नीचे से आग और इनको उसी छोटी सी ट्रे में निकाल लें। पहले ये बना लें, फिर वो बनाते हैं। ये रखा हिया और ये रखा हुआ। ये पकने, ये हो गया जी इधर, ये हो गया जी इधर। आई डोंट लाइक खीरे, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छे होते हैं, इट्स फाइबर, इट्स गुड, इट्स गुड, वेरी गुड। और ये रखा और जनाब ये रखा, इसको हमने किया ऊपर से थोड़ी सी मेयोनीज और डाल लेते हैं ताकि ड्राई ना हो, इतनी सी, इतनी सी, सॉरी। और इसके ऊपर हमने रखा ये, इसके ऊपर हमने रखा ये, इधर हमारा रेडी हो गया है ये। जब आप टूथपिक भी लगा सकते हैं, ये मैं जब बना के देती थी ना आमना और मरियम और मुईज को, तो उनकी एक्साइटमेंट देखने वाली होती थी भाई। साथ हमने रखा ये थोड़ा थोड़ा, ये ज्यादा हो गया, ये इतना होना चाहिए, ये थोड़ा सा ये निकाल लिया जाए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं साइड पे कॉर्न, ये कांटा छुरी। अच्छा जी, ये रानी इसको इधर रख दे। और ये हो गया जी हमारा साथ पोटैटोज, मुझे थोड़ी थोड़ी ना हमारे पास केचप होनी है। नहीं, इमली की चटनी डालें, वो भी इक्वली अच्छी लगती है, डाल दें, वो पड़ी हुई है। थोड़ी थोड़ी इस साइड पे जहाँ बर्गर होता है, ये हो गया जी। और इधर डाल दे, ये हो गया। कैसे लगते जैसे कोई फतह हासिल कर गया है, लेकिन ये देखेंगे ये कितना यमी लुकिंग प्लेटर तैयार हो गया। इसी तरह ही ये दो और बर्गर्स तैयार होंगे फॉर रानी एंड ड्राइवर, और आज का हमारा रात का खाना होगा। वैसे टू बी ऑन द सेफ साइड, हमारे पास दाल पड़ी हुई है, अगर किसी का इससे पेट ना भरे तो भाई चपातियां बनाए और दाल गरम करें और अपना मजे ले लेके खाए। तो ये लेकर हम चलते हैं, साथ ले लेते हैं कोई ड्रिंक और एंजॉय करते हैं अपना आज का डिनर। वैसे ये बड़े से बात तुमने बनाया है, याद है वो बच्चे छोटे थे जब हम बनाए। हाँ, वैसे तुम्हें ऐसे कैसे ख्याल आ गया? तंग आ गए थे सालन खा खा के।
और कुछ समझ नहीं आती कि रोज क्या बनाएं। वैसे गोभी मैं लाई नहीं, कल इंशाल्लाह गोभी बनेगी, गोभी की भी रेसिपी दे दूंगी। अच्छा, थोड़ी अदरक शदरक ज्यादा डालनी चाहिए गोभी में। मैं सोच रही थी ऊपर छत पे भी चलेंगे किसी दिन, बड़ा अरसा हो गया छत पे नहीं गए। लेकिन क्या हालात है ना, है ना, मौसम भी अच्छा है। पालक लगा हुआ है हमारा, वो अपनी जो सोलर प्लेट्स है वो भी देख लेंगे।